अब पछताएगा पाकिस्तान, इस फैसले से हो जाएगा परेशान। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जी हां, पाकिस्तान ने एक ऐसा फैसला लिया है, एक ऐसा कदम उठा लिया जिसके बाद पाकिस्तान को पछताना होगा, जिसके बाद पाकिस्तान को नहीं उसका फायदा टीम इंडिया को होगा, और पाकिस्तान पछताएगा, टीम इंडिया के खिलाफ जब आएगा तो हार कर जाएगा। ये बातें अब लगातार हो रही हैं पाकिस्तान के इस फैसले की। दरअसल आपको पता है कि भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा। शाहीन शाह आफरीदी बाहर हो गई, शाहीन शाह आफरीदी चोटिल होकर वो एशिया कप से रूल्ड आउट कर चुके हैं, जिसके बाद पाकिस्तान ने फैसला लिया हसनैन मोहम्मद हसनैन को शाहीन शाह आफरीदी की जगह रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल कर लिया। अब यहाँ पर बहुत बड़ी गलती पाकिस्तान कर बैठा। पाकिस्तान को ये नहीं पता कि टीम इंडिया की ताकत क्या है। पाकिस्तान ने टीम इंडिया के फेवर में ये फैसला ले लिया। अब वो कैसे, मैं आपको समझाऊंगा। दरअसल मोहम्मद हसनैन की अगर हम बात करें, शाहीन शाह आफरीदी और मोहम्मद हसनैन दोनों में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है उनका गेंदबाजी एक्शन। शाहीन शाह आफरीदी लेफ्ट आर्म पेसर है और लेफ्ट आर्म पेसर के खिलाफ टीम इंडिया हमेशा फंसती है, तो वही मोहम्मद हसनैन राइट आर्म पेसर है और राइट आर्म पेसर कभी भी टीम इंडिया के लिए मुसीबत खड़ी नहीं करते हैं। लेफ्ट आर्म पेसर हमेशा टीम इंडिया के लिए मुश्किलें खड़ी करते हैं, इसीलिए शाहीन शाह आफरीदी के रिप्लेसमेंट के तौर पर अगर पाकिस्तान लेफ्ट आर्म पेसर ही चुनता तो शायद टीम इंडिया के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती थी। वहाब रियाज जरूर एक बेहतर ऑप्शन होते लेकिन वो चोटिल हैं। लेकिन मोहम्मद हसनैन को चुनकर पाकिस्तान ने ये गलती कर दी कि वो टीम इंडिया को अब मुश्किलें नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मोहम्मद हसनैन राइट आर्म पेसर है, रफ्तार जरूर उनके पास है लेकिन रफ्तार से कोई प्रॉब्लम टीम इंडिया के बल्लेबाजों को नहीं होने वाली है। राइट आर्म पेसर होने के चलते मोहम्मद हसनैन को टीम इंडिया के सामने बड़ा चैलेंज पेश नहीं कर पाएंगे। ये पाकिस्तान का जो फैसला है वो उस पर उल्टा पड़ गया। कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, और वास्तव में पाकिस्तान को जो फैसला लेना चाहिए था शाहीन शाह आफरीदी के रिप्लेसमेंट के तौर पर वो पाकिस्तान नहीं ले पाया। तो ये जिस फैसले की इस वक्त चर्चा हो रही है, लगातार शाहीन शाह आफरीदी के रिप्लेसमेंट के तौर पर जिस गेंदबाज को चुनना चाहिए था, जिस तरीके के गेंदबाज को चुनना चाहिए था, पाकिस्तान उस तरीके के गेंदबाज को टीम इंडिया के खिलाफ मैदान पर नहीं उतार पाया। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और इसी को लेकर हम लगातार आप लोगों को जानकारी दे रहे हैं। तो आपका शाहीन शाह आफरीदी के जो रिप्लेसमेंट हुआ है मोहम्मद हसनैन, इनको लेकर क्या कहना है, क्या आपको लगता है कि मोहम्मद हसनैन टीम इंडिया के खिलाफ कोई चैलेंज पेश कर पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।